नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों, यारों, मित्रों में शेयर करिए और आ जाइए, क्लास को किया जाए स्टार्ट। तो सभी को सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। तो फटाफट से कमेंट करिए बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई चल रही है। अब सेलिब्रेशन का मूड जो है उसको आपने, मुझे जहाँ तक लगता है कि अब क्या किया होगा, उसको थोड़ी देर के लिए विराम दे दिया होगा और अब पढ़ाई एकदम स्टार्ट कर दी होगी। तो फटाक से क्लास को ज्वाइन करिए और किया जाए क्लास को स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो देख रहे हैं हम, अभी तक आप लोग आए नहीं हैं, हमको पता है अभी करंट अफेयर का क्लास आपका ख़त्म हुआ है, तो फटाफट से आ जाइए, पानी वानी, चाय वाय जो भी है पीपा के, फटाफट आइए। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, हम भी बढ़िया हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं, आप लोग भी बढ़िया हैं, पढ़ते रहिए। PDF नहीं मिला आप लोगों को? चलिए देखते हैं क्यों नहीं मिला, नहीं मिला है तो मिल जाएगा सब। गुड मॉर्निंग। तो बच्चे, जितना LCM SCF का आज हमारा आखिरी लेक्चर रहने वाला है LCM SCF पे, तो आई होप कि आप लोगों ने पिछले 3 क्लासेज जो थे LCM SCF के उसको पढ़ा होगा, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा है तो आज की क्लासेज, वैसे आज की क्लास में तो SCF ही मैं पढ़ाने वाला हूँ तो नया ही रहेगा, लेकिन पीछे की क्लासेज क्या है कि कुछ तो इंटर रिलेटेड रहेगा ना, कुछ तो उसमें इंटरकनेक्टेड होगा, कुछ कनेक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा आप तीनों क्लास छोड़ दिए हैं और चौथा क्लास ही आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, है ना। सबका प्रणाम स्वीकार है, बिल्कुल सबका, ऋषभ सर का क्रोकोडाइल कर रहा है प्रणाम स्वीकार करें, तो बिल्कुल आपका प्रणाम स्वीकार है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका गुड मॉर्निंग भी स्वीकार है, प्रणाम भी स्वीकार है। आप भी फटाफट क्लास को स्वीकार करिए और शेयर करिए, लाइक लाइक के लिए नहीं बोलेंगे, फटाफट से आप आ जाइए, बस क्लास को किया जाए स्टार्ट। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आप लोगों का, आपको पता है कि नंबर सिस्टम का हम लोगों ने बेसिक अब क्लियर कर लिया है, तब हम चलेंगे वो टॉपिक्स जो आपके फेवरेट टॉपिक रहने वाले हैं, परसेंटेज पे, डायमंड वर्क पे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, और फिर जो आपका एडवांस मैथ का पोर्शन है उसको करेंगे, है ना। चलो तो आ जाएं, अब चलें क्लास को किया जाए स्टार्ट। बातें तो होती रहेंगी हमारी, आप लोग साथ में हैं तो बात होती रहेगी, अब आ जाइए। चलिए अब आते हैं, बनारसी लालू जी अभी मिलना मिलाना, थोड़े दिन के लिए विराम करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अभी, है ना। चलें अब क्लास पर आ जाइए अब। चलो अब आ जाते हैं फटाफट क्लास पर। तो देखिए, उस कल हम लोग पढ़ रहे थे, LCM खत्म कर लिया था हमने, SCF कर रहे थे, और हमने एक आपके लिए होमवर्क दिया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और आप सबने उसका आंसर भी बड़े आसानी से दे दिया था। तो एक बार मैं उस होमवर्क को डिस्कस करूंगा, फिर क्या करेंगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। यही वाला क्वेश्चन था बच्चे, यही वाला क्वेश्चन था। तो देखिए, सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कल हमने SCF में क्या पढ़ा। हमने SCF के 3 रूल पढ़े थे कल, आपसे याद होगा, डिवीजन मेथड पढ़ा था हमने, और एक हमने डिफरेंस मेथड पढ़ाया था, और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हम LCM में भी पढ़े थे और SCF में भी पढ़े हैं, है ना। और हमने क्वेश्चंस भी किए थे, और फिर आपके लिए एक होमवर्क यहाँ पर रखा गया था कि डिफरेंस मेथड से आपने पढ़ा होगा, डिफरेंस मेथड अच्छे से सीखा होगा, तो ये होमवर्क आपसे हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि n और n प्लस 10, क्या कह रहा है, n और n प्लस 10 है दिया आपका, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n और n प्लस 10 बच्चे, यदि दो नंबर है आपके, तो उसके कितने SCF पॉसिबल हो सकते हैं, यही था ना होमवर्क का क्वेश्चन। तो आइए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, n और n प्लस 10, आपको पता है सर, n तो ठीक है, n प्लस 10 भी ठीक है। हमने अभी तक जो सीखा था, आपने बताया था कि दो नंबर्स के बीच में जब भी SCF निकालना हो, जब भी मर्जर निकालना हो, तो क्या करना होता है बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस, अब यहाँ पे दो ही नंबर है तो मैं डिसाइड तो करना नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दो नंबर का डिफरेंस लेना है। तो बच्चे अगर हम देखें कि यहाँ पे नंबर
तो नहीं दिया था सर, लेकिन एन लिखा हुआ था और बिल्कुल नंबर सिस्टम में हमने एन के इतने सारे क्वेश्चन कर रखे हैं कि अब एन देख के हमको डर नहीं लगता है। तो एन प्लस टेन मतलब ये एन पहला नंबर है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ बच्चे, 10 का डिफरेंस हुआ, तो मतलब 10 इसका एचसीएफ हो सकता है, तब होगा। हमने बोला था ना कि 10 डिफरेंस आया तो दोनों को काट के चेक करेंगे, तो बच्चे हम ये तो कह नहीं सकते कि ये 10 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि ये नंबर क्या था वो तो हमें पता नहीं है। ये हो सकता है 15 रहा हो सकता है 12 रहा हो सकता है 13 रहा हो, है ना, कुछ भी रह सकता है नंबर, नंबर तो कुछ भी ले सकता है। तो अगर हम देखें कि पॉसिबल इसके कितने एचसीएफ हो सकते हैं, जो कि इसके पॉसिबल हो सकते हैं, तो बच्चे हमने बताया था कल आपसे कि जो डिफरेंस आ जाएगा, जैसे डिफरेंस इसका क्या आया, इसका डिफरेंस हमने निकाला तो क्या आ गया बच्चे, डिफरेंस 10 आ गया, 10 आ गया ना। तो बच्चे हमने कहा था या तो 10 एचसीएफ होगा या तो 10 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। तो 10 के कितने फैक्टर होते हैं बच्चे, 1, 2, 5 और 10, 10 के इतने ही फैक्टर होते हैं ना। तो यही फैक्टर में से ही कोई एक एचसीएफ होगा इसका, तो इसके पॉसिबल केस कितने बन सकते हैं, यही 4 तो बन सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा बी, 4। समझ में आया, समझ में आया बच्चे। चलिए, आप लोग का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, लेकिन आप लोग का देख रहे हैं कि लाइव संख्या जो है बढ़ नहीं रही है, क्या अभी भी आप अपने क्लास को लेके, और आपको पता है कि सारे यूनिवर्सिटीज़ में जीटी सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जनरल टेस्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और जनरल टेस्ट में जो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट है आपका वो दो ही है, वो है मैथ और रीजनिंग। और आप मैथ और रीजनिंग की क्लास में आपका संख्या देख के लगता है कि आप बिल्कुल भी अभी अपने एग्ज़ाम को लेके नहीं कॉन्शियस हुए हैं, न तो अभी सीरियसनेस आप में दिख रही है, क्योंकि जब आपका लाइव संख्या देखते हैं हम तो हमें लगता है कि आप लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं अपने एग्जाम को लेकर। तो बच्चे जल्दी से जल्दी एग्जाम को लेकर सीरियस हो जाइए, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट आपको रैंक दिलाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने एलसीएम में पढ़ा था, जैसे हमने एलसीएम में पढ़ा था बच्चों कि एलसीएम के तीन हमने आपको स्टेप, तीन रूल बताए थे कि वो क्वेश्चन कैसे, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे एलसीएम से आते हैं। तो मैंने पहला बताया था एलसीएम में कि वह छोटी से छोटी संख्या या फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड, है ना, ये बताया था ना हमने। ऐसे ही एचसीएफ में भी हमारे पास तीन होते हैं, एचसीएफ में भी हमारे पास तीन होते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में आते हैं। इन तीनों को हमको याद रखना है। जैसे पहला क्या होता है बच्चे, पहला क्या होता है, तो पहला सबसे पहला देखिए क्या था एलसीएम में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई एक्स बाई जेड। यहाँ पे होता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड। अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसको नोट कर लीजिएगा बिल्कुल ध्यान से, वह बड़ी से बड़ी संख्या है ना, एक्स वाई जेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो बच्चे हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जो x, y, z तीनों को क्या करे, तीनों को विभाज्य करे, तीनों को क्या करे, विभाज्य करे। अब ध्यान दीजिएगा LCM HCF में यहीं पे हमें कन्फ्यूजन होता है जब वर्ड प्रॉब्लम आता है। अभी तो हमें क्या है कि हमें एक एक LCM HCF बार बार पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में जब मिक्स क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हम कन्फ्यूज होते हैं। यही छोटा सा क्वेश्चन होता है और वर्ड प्रॉब्लम देखते ही हम वहाँ पे कन्फ्यूज जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है बच्चे, हम ये तो देख लेते हैं कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर और रट लेते हैं कि लार्जेस्ट नंबर वाला हमेशा HCF होगा, तो ऐसा पॉसिबल केस नहीं है। LCM में भी बोल सकता है लार्जेस्ट नंबर, बिल्कुल बोल सकता है। तो बच्चे यहाँ पे हमें बस एक चीज़ ध्यान देना होता है कि LCM जब हम करते थे तो वहाँ पे ये कहता था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या फाइंड द नंबर या फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड। मतलब कोई एक नंबर होता था, कोई एक नंबर हमारे पास होता था, और वो क्या होता था, एक नंबर अगर मान लीजिए ए है तो वो तीन संख्याओं से क्या होता था, डिविजिबल होता था, तीनों संख्या से क्या होता था, डिविजिबल होता था। ये ए जो होता था इस तीनों संख्या से डिविजिबल होता था। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि कोई तीन संख्याएँ होती हैं और वो क्या होती हैं, केवल एक ही ऐसी संख्या होती है कॉमन जिससे वो क्या होती है, डिविजिबल होती है। तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यहाँ पर तीनों संख्या
एक संख्या को डिवाइड कर रही होती है, और यहाँ पे एक संख्या तीनों संख्या को डिवाइड कर रही होती है। तो एचसीएफ होता क्या है? कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर एक होता है जो तीनों को डिवाइड करता है, और यहाँ पे मल्टीपल होता है, मतलब कि एक नंबर होता है जो तीनों का मल्टीपल होता है, है ना। तो हमने जो एलसीएम पढ़ा था वहां पे डिविजिबल याद रखेंगे हमेशा, जब भी पूछेगा डिविजिबल पूछेगा, और ये पूछेगा कि तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्या से कोई एक संख्या डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा? एलसीएम का। लेकिन अगर यही पूछ दे उल्टा करके कि कोई एक संख्या, कोई तीन संख्या है जो एक ही संख्या से डिविजिबल है तीनों संख्या, तो मतलब वो छोटी संख्या होगी कोई ना, तो छोटी की जब बात करेगा तो एचसीएफ, और जब बड़ी की बात करेगा तो एलसीएम। अब चलते हैं आगे। तो हम बच्चे, ये हमने समझा दिया कि आपको कैसे इसको याद रखना है, अब हम ध्यान देंगे कि एचसीएफ के लिए क्या करना होता है। अगर ऐसा फॉर्म आ जाए तो केवल एचसीएफ निकाल लेना होता है। किसका किसका? एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। ये बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है, हम याद कर पाएंगे बिल्कुल। कोई भी आप बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कोई भी अगर आप में मैथ आता है, जनरल मैथ आता है, तो आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी क्यों ना हो, बिल्कुल ये क्लास काम आएगा, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हर जगह पूछी जाती है ना। चले अब आगे चलें, अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 52, 65 और 143 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो क्या हो? एग्जैक्टली डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड, अच्छा ये देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, या व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड 52, 65 एंड 143। तो बच्चे अब हमको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा, तो हमने क्या बताया था कि जब आपको पूछे एक ऐसी संख्या बताइए जो किन्हीं तीन चार पाँच संख्याओं को डिवाइड करती हो, तो वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? 52, 65 और 143, यही तो हमारे एक्स वाई जेड हैं। तो इनका हम क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? एचसीएफ निकालेंगे। तो बच्चे आपको हमने एचसीएफ का सबसे बेटर तरीका कल बताया था, क्या करना होता है एचसीएफ में बच्चे, हमें क्या करना होता है? छोटे वाले का डिफरेंस ले लेना है। तो ये देखिए दोनों का सबसे छोटा डिफरेंस आएगा, देखने से समझ में आ रहा है। तो 65 और 52 का डिफरेंस क्या होगा, 65 और 52 का डिफरेंस क्या होगा बच्चे? तो आप देख रहे हैं सीधे दिख रहा है कितना होता है बच्चे? 13 होता है। अब चेक करेंगे क्या 13 इन तीनों संख्याओं को काट रहा है? तो 13 बिल्कुल 13 से 52 भी करता है, 65 भी करता है, 131 भी कटता है, है ना, कटता है। तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 143 हमारा, हाँ बिल्कुल 13 होगा आंसर। ये 13 बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 13, ठीक है, 13 13 हो गया। बी वाला ऑप्शन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। एक बच्चा कह रहा है, पत्रकार पोपटलाल, कि सर नेटवर्क इज गिविंग धोखा। तो बच्चे धोखे तो मिलते रहेंगे, धोखों का क्या है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल अभी लग रहा है, लेकिन जब आप 4 महीने बाद 2 महीने बाद पेपर में बैठेंगे, तो वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ में जैसे ही ये दिखेगा, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तब आप तो समझ जा रहे हैं कि सर एचसीएफ निकालना है। लेकिन कभी कभी एलसीएम के केस में भी लार्जेस्ट लिख के देगा, और तुरंत आप क्या काम करेंगे? एचसीएफ निकाल कर चले आएंगे। तो लार्जेस्ट देखना है, ठीक है, लार्जेस्ट का एचसीएफ निकालना होता है, पता है हमको, लेकिन मैक्सिमम कभी कभी क्या होता है, लार्जेस्ट लिख के एलसीएम के भी केस दे देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहले तो हमें ये याद रखना है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमेशा कहाँ रहता है? स्मॉलेस्ट हमेशा रहता है एलसीएम में, और लार्जेस्ट कहाँ रहता है? एचसीएफ में। लेकिन कभी कभी चीज़ें क्या होती हैं कि उल्टा कर देता है वो, तो हमें ये याद रखना है कि एक संख्या किसी तीन संख्याओं को डिवाइड कर रही होगी, या किसी चार संख्याओं को डिवाइड कर रही होगी, तो वो एचसीएफ का केस होगा, और एक संख्या किसी तीन संख्याओं से डिविजिबल होगी, चार संख्याओं से डिविजिबल होगी, तो वो एलसीएम का केस होगा। बिल्कुल आसान था। चलिए अब दूसरे केस पे चलते हैं। पहला केस तो हो गया हमारा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स थ्री नंबर्स एक्स वाई जेड। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या है? केस टू की बात करेंगे अगर हम, तो दूसरा केस हमारा क्या है बच्चे? आपको याद होगा एलसीएम में मैंने बताया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई जेड एंड लीव्स अ रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, है ना। तो सेम रिमाइंडर वाला यहाँ पर भी है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which exactly divides x, y, z and leaves remainder r,
और क्या हो सकता है बच्चे, और सेम रिमाइंडर दोनों केस हो सकता है इसके साथ। देखिए अगर मैं कहूं कि, अब देखिए हिंदी वाले देख लें कि वह बड़ी से बड़ी संख्या लिख दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो एक्स वाई जेड को डिवाइड करे या विभाजित करे और जो हमारा शेषफल है, शेषफल क्या दे, समान शेषफल दे। ठीक है, तो बच्चे देखिए इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट है। समान शेषफल वाले में, सेम रिमाइंडर वाले में या आर रिमाइंडर वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों ट्विस्ट है, जैसे एलसीएम में हम करते थे तो वहां पे सेम रिमाइंडर होता था, तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल के उसको ऐड कर देते थे ना, यही करते थे ना। यहाँ पे जो होता है बच्चे, अगर सेम रिमाइंडर वाले में दो केस बनता है, एक केस तो आपसे ऐसा पूछेगा कि आर रिमाइंडर दे रहा हो, मतलब ऐसा बोलेगा कि कोई संख्या है जो 30, 35, 40 को पूरी तरह डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या दे रहा हो, पाँच दे रहा हो रिमाइंडर, तो वहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू दी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि रिमाइंडर की वैल्यू नहीं देगा, वो केवल क्या कह देगा कि सेम रिमाइंडर देगा, तो वहाँ के लिए आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप इस पर। तो इसके लिए फार्मूला जो होता है बच्चे, लिखिएगा कि इसको निकालने का तरीका होता है, पहले जब रिमाइंडर आर देगा, सेम रिमाइंडर में जब आपको रिमाइंडर आर की वैल्यू दी हो, रिमाइंडर नोट करिएगा बिल्कुल जैसे मैं नोट करा रहा हूँ, आर की वैल्यू क्या हो बच्चा, गिवेन हो तब हम क्या करेंगे बच्चे, बस केवल क्या करते हैं एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर, मतलब क्या करते हैं, रिमाइंडर को घटा देते हैं और इसका एचसीएफ ले लेते हैं, रिमाइंडर को घटा के इसका एचसीएफ ले लेते हैं। सिंपल सा क्या करते हैं, रिमाइंडर को, जो सेम रिमाइंडर आया है, जैसे आर रिमाइंडर दिया है, तो उसको घटा के एचसीएफ ले लेंगे। ये तो हो गया पहला केस, ठीक है, पहला केस ये हो गया। लेकिन बच्चे इसके अंदर में, केस टू के अंदर में पहला ये हो गया कि जब रिमाइंडर क्या हो, सेम हो। लेकिन दूसरा अगर मैं पूछूँ आपसे, दूसरा अगर ये दे दे कि सेम रिमाइंडर तो है, रिमाइंडर सेम है, बट रिमाइंडर की वैल्यू ना दिया हो, तो बच्चे रिमाइंडर की वैल्यू ना दिया हो तो उसके लिए फार्मूला होता है एचसीएफ ऑफ मॉड में, ये मॉड का मतलब समझ में आता है सबको, एक्स माइनस वाई, मॉड का मतलब समझते हैं आप लोग कि नहीं, वाई माइनस जेड और जेड माइनस ए। मॉड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मॉड में है तो हमें उसका मतलब है कि ये एक्स माइनस वाई जो आप निकाल रहे हैं, तो ये माइनस करने पे हो सकता है कभी बड़ी और छोटी संख्याएं में आप माइनस करें तो माइनस में आ जाए, तो वो बाहर निकलते ही मॉड से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मॉड से बाहर निकलते ही क्या हो जाएगा बच्चे, वो प्लस में हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं निकालूँ 20 में से 40 घटाऊँ तो माइनस 20 आएगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एचसीएफ में हम डिफरेंस केवल लेते हैं, वो निगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है उससे हमें मतलब तो नहीं है। अभी आप डिफरेंस मेथड सीखे थे ना, तो हमने क्या कहा था, डिफरेंस केवल लेना है हमें, निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी उससे मतलब नहीं है। तो वही चीज़ हमने क्या किया, मॉड में लिख दिया, इसलिए कि जिससे आपको याद रहे कि डिफरेंस हमारा निकालना होता है वो माइनस में आए या प्लस में आए उससे कोई हमें मतलब नहीं होता है। तो बच्चे सेकेंड केस में, अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा कि जब रिमाइंडर सेम में आर की वैल्यू दी हो, रिमाइंडर कुछ दिया होगा, तब क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हैं उनमें से रिमाइंडर को माइनस करके उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिमाइंडर नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं, वहां पर हमको ये फॉर्मूला लगाना होता है। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाना होता है बच्चे, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान देना है कि हमने अभी बताया कि जब आपको रिमाइंडर आर दिया हो तब तो आप एस सी एफ निकाल लेते हैं। कैसे, तब एस सी एफ आप निकालते हैं एक्स माइनस आर का और वाई माइनस आर का और जेड माइनस आर का, है ना। अब बच्चे हमको ये आर की वैल्यू ही जब नहीं दी होगी तो हम इसको अगर देखिए सॉल्व करेंगे, तो आप देख रहे होंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस मेथड से जब हम निकालेंगे तो देखेंगे एक्स माइनस आर में से जब वाई माइनस आर करेंगे, हम डिफरेंस इसका निकाल रहे हैं, तो एक्स माइनस आर माइनस वाई माइनस आर करेंगे तो देखेंगे हम कि ये आर से आर कट जाएगा और हमें मिलेगा क्या, एक्स माइनस वाई।
मिलेगा। ऐसे ही जब इसको भी इसमें से घटाएंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, तो हम देखते हैं कि तीनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो जो मॉड वाला वैल्यू आया वो यहीं से आया है। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है बहुत ज़्यादा, बस हमको ये समझने के लिए देखना था कि क्यों हम इसके लिए अलग फॉर्मूला याद किए। सेम ही रिमाइंडर का था तो क्यों ना हम एक्स माइनस आर और वाई माइनस आर से कर लिए। उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, एक्स माइनस आर और वाई माइनस आर को ही जब आप सॉल्व करेंगे तो आर आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये एक नया फॉर्मूला बन के आएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा क्योंकि आपको पता है केवल क्या करना है, नंबर में से रिमाइंडर घटा देना है। तो ये तब होगा जब रिमाइंडर की वैल्यू सेम वाले दी हो, और ये तब होगा जब सेम वाला रिमाइंडर की वैल्यू ना देखे केवल ये दे दे क्वेश्चन में कि रिमाइंडर सेम है या शेषफल क्या है सेम है, तब ये लगाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। अब देखिए अभी मैंने बताया था ना कि सर यहाँ पर रिमाइंडर का कुछ वैल्यू दे दिया होता, अगर यही बोला है जो सेम रिमाइंडर, और यही सेम रिमाइंडर की जगह पर अगर ये दे दे रहा है कि 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो हम सर आराम से क्या करते हैं 43 में से 5 घटाते हैं, 91 में से 5 घटाते हैं और 183 में से 5 घटाते हैं, और इसका क्या कर लेते हैं, इसका हम क्या कर लेते बच्चे, इसका हम ले लेते हैं एचसीएफ, हमें पता चल जाता है आंसर। तो आसान था ये वाला जब आपको सेम रिमाइंडर में रिमाइंडर की वैल्यू दी हो। लेकिन इस केस में देखिए कि रिमाइंडर की वैल्यू दी ही नहीं है, तब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अब क्या करें। तो या तो आप ऐसे मान के करिए कि एचसीएफ ऑफ रिमाइंडर, मान लिया हमने सेम वाला रिमाइंडर क्या है, सेम वाला रिमाइंडर क्या है हमारा बच्चे, आर मान लिया, मान लीजिए हमने मान लिया कि आर है वो, तो हम क्या कर देंगे एक्स माइनस आर का रिमाइंडर निकालेंगे, वाई माइनस आर का रिमाइंडर निकालेंगे और जेड माइनस आर का रिमाइंडर निकालेंगे। तो इसी से तो एक फॉर्मूला हमने निकाला है अभी कि एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड में, वाई माइनस जेड मॉड में और जेड माइनस एक्स मॉड में। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला समझ गए क्यों हमें करना है, क्यों करना है। तो इस वाले फॉर्मूले पे इसको रखिए और सॉल्व करिए, देखिए आंसर क्या आएगा। तो रखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना, इस फॉर्मूले को अभी मिटाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, तो हमको पता है सर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो एक्स माइनस वाई क्या होता है बच्चे, 43 माइनस 91 हो जाएगा ना, ये मॉड में रहेगा। फिर हमारा ये 91 माइनस 83 हो जाएगा 183, और ये मॉड में रहेगा। और फिर हमारा अगला क्या है, 183 माइनस 43, तीनों लिख लिया हमने। अब हमको पता है जब इसको सॉल्व करेंगे हम सर, जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 43 में से 91 जाएगा बच्चे, तो कितना मिलेगा, 91 में से 43 घटाइए कितना हो रहा है, 91 में से गया तो 11 में से 3 गया 8, और फिर मेरा 8 में से 4 गया 4, 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब हमने बोला था मॉड से बाहर आएगा तो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगला हम इसको देखें, अगर इसको सॉल्व करें हम तो 183 में से अगर ये 91 को घटाएं हम तो क्या हो जाएगा, 13 में से 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, और फिर हमारा 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बचा, 0 बचा, 92 रह जाएगा, बाहर आया 92 हो गया। अगला इसको सॉल्व कीजिए, 183 में से 43 गया बच्चे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 होगा ना। अब देखिए हमें इतना मिल गया, अब हमको निकालना क्या है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमको पता है सर एचसीएफ निकालने के लिए हमें आपने बताया था कि अब हमें ये मिल गया, अब ये फार्मूला हम एक मिनट के लिए मिटा नहीं रहे हैं, अगले पेज पे चल रहे हैं। हमको ये तीन वैल्यूज मिल गए, 48, 92 और 140, यही मिला ना, यही मिला, तीन वैल्यू हमारे पास। तो अब देखिए हम इसको अगले पेज पे ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो अगले पेज पे चलते हैं। तो 48 और 92 का, अब कोई भी बच्चा इस क्लास का बैठा हुआ ऐसा नहीं है कि जिसको ये निकालने नहीं आता है इसका एचसीएफ। हमने क्या बोला था, छोटा वाला डिफरेंस दिख रहा है सर यहीं से मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस जब हम देखेंगे 44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना। अब 44 देखते हैं क्या इन सबको काट रहा है, तो बिल्कुल नहीं काट रहा है, समझ में आ रहा है मुझे 44 नहीं काट रहा है। तो 44 का फैक्टर करते हैं, 11 × 4 हो जाएगा ना, 11 × 4 होता है 11, क्या बड़े वाले को चेक किया क्या ये काट रहा है, तो पहले वाले को 11 नहीं काट रहा था तो हमने बड़े वाले को छोड़ दिया। अब 4 से चेक करेंगे, तो 4 से काटा तो ये कट रहा था, 4 से काटा ये भी कट रहा है, और 4 से काटा ये भी कट रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, और हमारा आंसर भी क्या हो गया, 4 हो गया, हमारा आंसर भी क्या हो गया, 4 हो गया। बच्चे फॉर्मूले थोड़े से आपको याद करने होंगे इसमें, ये जो फॉर्मूले याद नहीं करने, बस आपको समझना है एक बार कि एक्स माइनस आर वाई माइनस आर जब आर की वैल्यू नहीं दी हो तो उसी
को मॉड में लिख के x माइनस फाइव वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कर देते हैं। बहुत ही आसान सा है, एक बार बस आपको माइंड में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से उसको देखना है, है ना, है ना बच्चे। अब ध्यान से एक बार देखिए, जब आपसे बोलेगा कि सेम रिमाइंडर का है तो हमें ये वाला फॉर्मूला याद है, सेम रिमाइंडर में, तो सेम रिमाइंडर में ये वाला फॉर्मूला लगाया, x की जगह पे x रखा, y की जगह पे y रखा, z की जगह ये सब रख के इसको जब घटा दिया, अब इतना कैलकुलेशन तो आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा। घटाया जब हमने तो देखा 48 आ गया, 92 आ गया, 140। हमने बताया था मॉड का मतलब होता है कि जो भी चीज़ नेगेटिव में आए उसको बाहर निकाल के पॉजिटिव हो जाता है वो। अब इसका हमें SCF निकालना था, तो हमें पता है बच्चे SCF हम डिफरेंस मेथड से निकालना आता है। 48 और 92 का डिफरेंस क्या है, 44 है, तो हमने 44 देखा, 44 से सब नहीं कट रहे थे तो हमने उसका फैक्टर किया, 11 × 4 हुआ, 11 × 4 से जब हमने देखा तो 11 × 4 11 से भी नहीं कट रहा था, 11 से भी नहीं कट रहा था, तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, 4, तो 4 से चेक किया तो 4 से वो पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा था, तो SCF हमारा क्या हो गया, 4 हो गया ना। अगर 44 सबको काट देता तो 44 SCF हो जाता, कल बताया था ना कि जिससे वो कट जाएगा, ये 44 से ही कट जाते सारे तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 44 हो जाता, SCF क्या हो जाता, 44 हो जाता, है ना बच्चे। ये देखो भाई गेमिंग है, एक भाई गेमिंग 007, ये काफ़ी तेज़ हो रहे हैं, ये काफ़ी ही तेज़ हैं, काफ़ी ही स्पीड में चल रहे हैं ये, क्योंकि कमेंट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। चलो अब आते हैं क्लास पे, है ना, चलो अब चले अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए हमने ये सीख लिया, अब हमें तीसरा केस सीखना है, अब तीसरा केस सीखना है, तीसरे केस को अब देखते हैं। दो केस हमने पढ़ लिए, एक सेम रिमाइंडर वाला, एक जब कोई रिमाइंडर ना हो तब। अब तीसरा केस हमें पढ़ना है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है हमारे पास, केस 3 की बात करेंगे तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब बच्चे आपको LCM में पढ़े होंगे, तो तीसरा केस क्या था कि जब रिमाइंडर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब हमारा, तो यहाँ पर भी तीसरा क्या है, जब रिमाइंडर क्या दे, अलग अलग दे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, एक्स वाई जेड एंड लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर, क्या करे, डिफरेंट रिमाइंडर लीव करे, या फिर क्या बोले कि रिमाइंडर क्या दे, ABCD कुछ भी दे, डिफरेंट रिमाइंडर मतलब क्या, अलग अलग रिमाइंडर दे, जैसे x y z से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे बच्चे, x y z को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या दे, ABC, तीन अलग अलग रिमाइंडर दे दे, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, अभी आपने सेम रिमाइंडर वाले में क्या किया था, SCF लिया था और x में से, SCF ऑफ x में से उसका रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर में क्या, रिमाइंडर ही तो घटा रहे थे, तो x में से x वाले का रिमाइंडर घटा दीजिए, x वाले का रिमाइंडर क्या है, a है, उसको घटाइए, फिर y में से क्या करिए, y वाले का रिमाइंडर घटाइए, b है, उसको घटाइए, और z में से इसका रिमाइंडर घटाइए और इसका SCF ले लीजिए, इसका क्या ले लीजिए, SCF ले लीजिए, तो डिफरेंट रिमाइंडर वाला यहाँ पे आसान है, केवल क्या करना है, रिमाइंडर को घटा के उसका SCF निकाल लेना है, कर पाएंगे, तो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1661/2045 को विभाजित करने पर क्या करे, रिमाइंडर 10 और 13 दे। तो हमें बच्चे पता है कि रिमाइंडर अलग अलग है, तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सर ने बताया था कि SCF किसका लेना है, दोनों नंबर का ले लेना है, SCF ऑफ क्या कर लेंगे बच्चे हम, SCF ऑफ 1661, और इसका रिमाइंडर क्या है 1661 का, 10 घटा दो इसको, और फिर 2045 का रिमाइंडर क्या है, 13 है, इसको भी घटा दो। जब घटा दिया तो हमने सॉल्व किया इसको, तो देखा 1661 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा बच्चे, 1651 हो जाएगा, और इसको देखा कि 2045 में से 13 गया तो कितना हो गया बच्चे, 2032 हो गया। अब हमारे पास ये दो मिल गए, अब हमको पता है सर SCF निकालने के लिए क्या बताए थे, इसका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस लिया तो हमने देखा 2032 में से जब 1651 को घटाया तो क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 13 में से 5 गया 8 हो गया, और फिर हमारा 9 में से 6 गया 3 हो गया,
यही हो गया, 381 आ गया, 381 आ गया बच्चे, 381 आया। अब क्या 381 तीनों को काट रहा है? तो नहीं काट रहा है 381 तीनों को 381 का, दोनों को काट रहा है क्या? तो आपको पता है सर ये 381 है, 1651 है, 3 5 15 जाएंगे, 8 5 40 नहीं कट रहा है, ये 381 इसको नहीं काट रहा है। और किसी को अगर और भी दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे इसको काट के चेक कर लेगा, वो 1651 से 381 को काटेगा तो देखिएगा नहीं कट रहा होगा ये, है ना। अगर आपको चेक करना है तो हम बता दे रहे हैं कैसे चेक किया जाता है। देखिए 381 का एक बार टेबल पढ़ेंगे तो 381 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो 380। अब जो भी दो बार, अगर आप इसका दो बार पढ़ेंगे 381 का, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि दो से गुणा होगा तो यहाँ यूनिट डिजिट तो दो ही आएगा। तीन बार पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट तीन ही आएगा, चार बार पढ़ेंगे तो यूनिट डिजिट चार ही आएगा। तो कई बार डिविजिबिलिटी हम चेक करने के लिए यूनिट डिजिट का सहारा लेते हैं, तो 2 3 4। अब हम जानते हैं कि ये सर चार बार में कटेगा और यूनिट डिजिट चार आएगा, तो ये तो यहाँ पे यूनिट डिजिट एक है तो बिल्कुल ये 381 से तो नहीं कटेगा, तो हमको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। ऐसे इसको भी चेक कर लिया, नहीं कट रहा था। अब हमको पता है सर ऑप्शन में हम जाए, हमको इसका फैक्टर करना होगा, तो ऑप्शन में जाते हैं, वहां से हमें फैक्टर आसानी से दिख जाता है। तो देखा 127 यहां पे लिखा हुआ है, कभी कभी फैक्टर नहीं दिखता है तो ऑप्शन पे जाया कीजिए, वहां से देखा कीजिए। और 381 को हम 127 * 3 में तोड़ सकते हैं सर, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। और सबसे पहले बड़े वाले से चेक करेंगे, तो सर बड़े वाले से हमें चेक करने की क्या जरूरत है, यहां पे तो एक ही ऑप्शन ही है 127, हम चेक भी नहीं करेंगे, इसी को आंसर मार देंगे, क्योंकि हमको पता है कि 127 इसका फैक्टर है। अब 3 से तो कटेगा नहीं है, क्योंकि यहां पे 3 कहीं ऑप्शन में है नहीं, 127 है तो ऑब्वियस सी बात है कट रहा होगा, हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, जिसको चेक करना होगा तो घर पे बैठ के चेक कर लेगा सही में ये 127 से कट रहा होगा, तो आपको ऑप्शन दिखते ही मार देना है। ऐसा नहीं कि उसको चेक करने लगे कि नहीं कट रहा है कि नहीं, ऑप्शन में जब 127 ही है तो फिर चेक करने की क्या जरूरत है, नहीं है ना, है ना बच्चे। ध्यान से देखिए क्या बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 61 और 20 45, और रिमाइंडर क्या करता है, दो अलग अलग रिमाइंडर देता है। हमने क्या बोला था, दो अलग अलग रिमाइंडर दे तो उसका SCF निकालेंगे, कैसे SCF निकालेंगे, X में से उसका रिमाइंडर घटा देंगे, Y में से उसका रिमाइंडर घटा देंगे। तो X हमारे पास क्या था, 1661 था और 2045 था Y, तो 1661 में से इसका रिमाइंडर घटाया और इसमें 2045 में घटाया, 1651 और 2032 आ गया जब घटाया मैंने। अब हमको पता है सर इनका SCF लेना है तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस ले लिया 381, डिफरेंस मतलब घटा दिया, माइनस या प्लस में कुछ भी आए हमें लेना प्लस ही में है, है ना। तो 381 आ गया। अब 381 से हम चेक करते हैं दोनों संख्याओं को, क्या ये 1651 कट रहा है, 2032 कट रहा है, तो नहीं कट रहा था। कैसे चेक करना था हमने वो भी बताया कि यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे, क्योंकि पूरा डिवाइड करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, टाइम तो हमें इतना है नहीं, तो हमने यूनिट डिजिट से चेक कर लिया। अगला अब हमको पता है 381 का फैक्टर अगर करने जाएंगे, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा था, ऑप्शन में देखिए 127 दिख रहा था, हमको पता है 27 3 81 होता है तो बिल्कुल 127 3 381 तो होगा ही, तो बिल्कुल बात है कि 127 इसका एक फैक्टर है और वो ऑप्शन में भी है, और हमने देखा 127 से तीनों दोनों कट भी रहे थे, तो 127 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना बच्चे। थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी आएगा, और कैलकुलेशन से आपको डरना नहीं, इतना आपने नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ा है फिर भी आप कैलकुलेशन से डर रहे हैं। आपको यूनिट डिजिट भी पढ़ाया गया इसीलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ाया गया, इसीलिए आपको पहले नंबर्स के बारे में बताया गया, क्योंकि आप कैलकुलेशन में ये डिविजिबिलिटी रूल का यूनिट डिजिट का यूज कर सके। लेकिन आपने उनको पढ़ा और फिर कॉपी में क्या किया, जो होता है ना कि बंद करके रख दिया, उसको फिर कभी रिवाइज नहीं किया, उसका यूज आगे के चैप्टर में आने वाला है ना। चलिए तो हमने ये तीन केस पढ़े, तीनों केस में किसी को प्रॉब्लम, तीन केस में पहला केस क्या था कि ऐसी संख्या बताइए जो तीन संख्याओं को डिवाइड कर रही हो एग्जैक्टली, और बस इतना ही पूछे कि डिवाइड कर रही है, तो हम क्या करते हैं तीन संख्याओं को जब डिवाइड करने की बात करें किसी एक संख्या से तो वो क्या होगा, SCF निकाल लेंगे उस तीनों संख्याओं का। फिर हमने क्या देखा कि अगर तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पे डिवाइड तो हो जाता है लेकिन रिमाइंडर कुछ देता है, सेम रिमाइंडर देता है, तो उसके लिए मैंने दूसरा केस आपको बताया कि रिमाइंडर सेम वाले में या तो रिमाइंडर की वैल्यू दी होगी तो उसको घटा के कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स मॉड में लेके उसको सॉल्व करके उसका SCF निकाल लेंगे। तीसरा केस हमने बताया कि जब अलग अलग रिमाइंडर दे तब तो क्या करते हैं, उसके रिमाइंडर को उस संख्या में से घटा के उसका SCF निकाल लेते हैं। यही तीन चीज़ बताए थे
बिल्कुल, अगर जिस बच्चे को नहीं अभी जल्दी से तुरंत नहीं ग्रैप कर पाए, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हम तुरंत कोई चीज़ नया देखते हैं तो नहीं उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो एक बार दोबारा कॉपी को लेकर बैठना चाहिए और फिर से इस लेक्चर को देखना चाहिए। आप स्पीड पर बढ़ा के देखें, अब आप एक बार देख चुके हैं उसका स्पीड बढ़ा के एक बार आप देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना। चलो चलो अब आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे अब आगे चलते हैं। देखो हमने तीनों चाय टाइप्स पढ़ लिए, तीनों टाइप्स पढ़ लिए, अब हम तीनों टाइप्स का यूज करने वाले हैं, है ना। तीनों टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, अब तीनों टाइप्स का यूज हमने कर लिया। अब वर्ड प्रॉब्लम देखिए, एलसीएम एचसीएफ सबको आता है, वर्ड प्रॉब्लम से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसी को हम समझाने के लिए इतनी देर से आपको तीन केस बताए हैं। अब इस तीनों केस को आप घर पर जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, और तीन फार्मूले ही तो हैं, और फॉर्मूले भी कुछ नहीं है, बस एक बार आपको देखना है वो आपको समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अब आते हैं जैसे ये क्वेश्चन है, अब कभी कभी क्वेश्चन देखिए, जैसे एलसीएम वाले में क्या था, ये घंटी बज रही थी, घंटी बज रही थी ना, एलसीएम वाला जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि जब घंटी बज रही हो, इंटरवल दिया हो, या कोई दौड़ रहा हो ग्राउंड के आसपास चारों तरफ, तो कब मिलेंगे, कब एक साथ बजेंगे, कब एक साथ दौड़ेंगे, तो वहाँ पे हम क्या लगाते थे, एलसीएम लगाते थे। लेकिन कभी कभी अब आपसे एचसीएफ में भी वर्ड प्रॉब्लम पूछता है, कैसा पूछेगा, आपसे पूछेगा जैसे यही देखिए, कि अगर आपके पास कोई लेंथ है, एक 7 मीटर का लेंथ है, एक 4 मीटर का लेंथ है, एक 5 मीटर का लेंथ है, और उसको नापना है, तो एक ऐसा स्केल लीजिए जो उसको पूरी तरह से नाप सके। तो देखिए अभी मैं आपसे पूछूंगा और आप ही आंसर देंगे, अभी मैं आपसे पूछूंगा, जिन बच्चों ने बोला कि नहीं समझ में आया है, अभी वही आंसर दे रहे होंगे। देखिए अगर मैं बोलूं कि बच्चे आपके पास क्या है, तीन ऐसे क्या है, तीन कंटेनर है, या तीन बाल्टी है, या तीन गिलास है, या तीन कुछ भी बर्तन कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तीन है ना, तीन है। अब हमको पता है ये जो है, ये जो है इसमें से क्या है, इसमें 15 लीटर दूध है, ठीक है, इसमें 15 लीटर क्या है, दूध है, मिल्क है, और इसमें क्या है, इसमें क्या है, 30 लीटर मिल्क है, इसमें 30 लीटर मिल्क है, और इसमें क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास मान लीजिए 20 लीटर है, ठीक है, 20 लीटर है। अब हम बोले आपसे कि बच्चे हमें एक ऐसा, देखते होंगे दूध देने वाला आता है तो एक पौआ लेकर आता है, या जो आता है जिससे वो क्या करता है, नापता है दूध को, है ना। तो एक ऐसा बर्तन लेकर आइए जो इन सारे दूधों को, इसमें बर्तन से जो एग्जैक्टली पूरा का पूरा दूध इसमें से नाप के निकाल सके, बराबर मात्रा में निकाल के इसको पूरा खाली कर सके। तो एक ऐसा कंटेनर हमको चाहिए, ऐसा कंटेनर चाहिए कि जो इसको पूरी तरह से नाप सके, या पूरी तरह से खाली कर सके, और बराबर बराबर भागों में खाली कर सके। तो जैसे देखिए, मैं 15 लीटर का दूध है हमको निकालना है, तो अगर मैं 10 लीटर का एक बर्तन लेकर आऊँ, 10 लीटर का एक बर्तन लेकर आऊँ, और इसमें से 15 लीटर दूध निकालना है हमको बिना नापे, बस उस बर्तन की सहायता से निकालना है, तो 10 लीटर का अगर आप लेकर आए नपना, 10 लीटर का आप लेकर आए, तो आप एक बार में 10 लीटर निकालेंगे, लेकिन अगली बार 5 लीटर बच जाएगा, तो अगली बार तो उसके लिए 10 लीटर नहीं ना बचेगा, अगली बार इसके लिए 10 लीटर बचेगा क्या, पहली बार 10 लीटर पूरा निकालेगा, लेकिन दूसरे बार 5 ही लीटर बचेगा, तो ये तो आधा ही रहेगा ना, तो पूरा तो नहीं खाली कर रहा है ये। अगली बार ऐसी इसके लिए 10 लीटर निकालें तो ये तो पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से खाली हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये 10 लीटर में एक ही बार वो पूरी तरह से खाली कर पाएगा, 5 लीटर बच ही जाएगा, है ना, बच जाएगा, क्योंकि दूसरी बार के लिए पूरा फुल नहीं हो पाएगा ये। तो हमें क्या करना होगा कि देखा हमने 10 लीटर से तो ये नहीं खाली हो रहा था, तो हमने क्या किया कि 5 लीटर वाला एक बर्तन लिया और अब खाली करना चालू किया, तो देखा 3 बार में ये पूरा खाली हो गया, 6 बार में ये पूरा खाली हो गया, 4 बार में ये पूरा खाली हो गया, हो गया ना पूरा खाली। तो हमने देखा कि हम बड़े लेके चले थे जब तो नहीं हुआ, लेकिन 5 लीटर वाला लेके चले तो हो गया। तो ये तो कॉमन बोलचाल की भाषा में जब हमने बताया तो आप समझ गए कि 5 लीटर वाले से ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा, 3 बार में ये, 5 बार में ये, 6 बार में, है ना। लेकिन अगर मैं देखूँ तो ये आप किए क्या है, ये आप किए क्या है, 15 लीटर का था, 30 लीटर का था, 20 लीटर का था, तो बच्चे हमने देखा इसका डिफरेंस 5 लीटर है, हम एचसीएफ ही तो निकाले हैं, एचसीएफ ही तो निकाल के हम 5 लीटर, अभी आप इतना अंडरस्टैंडिंग आपका है कि आपने समझ लिया बिना एचसीएफ सोचे ही, लेकिन आप देखिए कहीं से तो ये 15 और 20 लीटर में से निकाले जो हमने, तो एचसीएफ ही तो निकाल के हमने देखा कि 5 आ रहा था, तो 5 लीटर वाला बर्तन लिया जो पूरी तरह से इसको खाली कर रहा था। तो जब भी आपको नापने की बात करेगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अपना कॉमन वाला दिमाग नहीं लगाना है, सीधे उनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, सीधे उनका क्या लेना है, एचसीएफ ले लेना है। तो कर पाएंगे अब, समझ में आया ये, अब समझ में आया ये बच्चे, अब आ जाइए, अब आ जाइए पीछे वाले क्वेश्चन पे, अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास पॉसिबल लेंथ, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ऐसा बोला है द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर, कह रहा है ऐसा ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए, ऐसा ग्रेटेस्ट मेजर करने के लिए कोई ऐसा
जैसे मैं बोलूँ कोई नापने के लिए लेंथ बताइए कि जो 7 मीटर 3 मीटर और 12 मीटर को पूरी तरह से क्या करे नाप सके। तो बच्चे हमने ऑप्शन देखा तो यहाँ सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा ना। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर में कितने जाएंगे बच्चे, 700 सेंटीमीटर। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, और 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर। तो बच्चे अब हमें इसका अगर नापना है तो हमें पता है अभी हमने दूध वाले में देखा, हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, एससीएफ ले लेंगे। एससीएफ ही हमारा हाईएस्ट कॉमन, ये बोला है ग्रेटेस्ट कॉमन, बताइए ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बताइए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा एससीएफ हम ले लेंगे, तो 300 और 700 और 1200 सबको लिया, तो इसका हमने देख लिया इसका डिफरेंस क्या है, 400 है ना, 400 का डिफरेंस है। तो 400 से सब कट नहीं रहा था, तो 400 का फैक्टर हमने किया तो देखा कि 200 × 2 हो जाएगा। तो क्या 200 से सब कट रहे हैं, तो 200 से भी नहीं कट रहे थे, 200 से ये कट रहेगा, नहीं कट रहा है। अब इसका भी फैक्टर हमने किया तो 100 × 100 क्या हो गया, 4 हो गया, 100 × 4 हो जाएगा ना। तो 100 × 4 हो जाएगा, तो 100 से देखा कि सारे कट रहे थे, 100 से सारे कट रहे थे, तो इसका एससीएफ क्या हो गया बच्चे, 100 हो गया। एससीएफ क्या हो गया, 100 हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर 50 से भी तो कट रहा है, तो बच्चे एससीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, 50 से कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, लेकिन हमें तो हाईएस्ट कॉमन वाला लेना है ना, कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जो तीनों को काट सके। तो हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है, 100 है। तो 100 सेंटीमीटर देखा हमने सबको काट रहा है, तो इसका मतलब हमें 100 सेंटीमीटर का कोई लेना होगा लेंथ जो क्या करेगा सबको एग्जैक्टली क्या करेगा नाप सकेगा 100 सेंटीमीटर का। बिल्कुल आसान से आया समझ में, चलो अब चलते हैं आगे वाले पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब ये क्वेश्चन और आसान है, इसका आंसर आप खुद से बताइए, इसका आंसर आप खुद से बताएंगे और ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए चलो अब आगे चलते हैं अगला टाइप देखते हैं। अब बच्चे अब हमारे पास अगला टाइप बचता है कि अगर हमारे पास अगला टाइप है कि अगर हमारे पास दिया हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, आपको याद होगा ना कि अगर आपको दिया हो कि दो संख्याएं आपके पास हों, याद होगा ये फॉर्मूला, याद करिएगा नोट करिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू लस गुणे मस दोनों संख्याओं का। ये पढ़ा है आपने पहले कि दो संख्याओं का जब लस या मस दिया हो या दो संख्याएं दी हो और पूछे आपसे क्वेश्चन, तो हमें एक फार्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चन इस बार आया था आप में, इस फॉर्मूले पे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार, हर सेप्ट में नहीं तो कम से कम मैक्सिमम 60-70% सेप्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे कि आपको दो संख्याएं दी होती थी उनका एलसीएम या एससीएफ दिया होता था और आपसे कुछ एक पूछ देता था। तो अगर मुझे फॉर्मूला ये पता हो कि दो संख्याएं अगर आपके पास ए और बी है तो उसका गुणनफल हमेशा किसके बराबर होगा बच्चे, दो संख्याएं अगर हमारे पास ए और बी दो संख्याएं हैं, ए और बी हैं, तो इसका जो गुणनफल होगा ए इंटू बी ये इज इक्वल टू किसके होगा, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एससीएफ ऑफ ए बी होता है ना, ये याद रहेगा आपको एससीएफ ऑफ ए बी, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, याद रखिएगा इसी पे क्वेश्चन हमको करना है आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास था कि द एससीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड एलसीएम इज 7700, इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 तो क्या हम दूसरा नंबर बता पाएंगे। बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें फार्मूला पता है सर कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो अगर पहला संख्या 275 है, कह रहा है कि यदि
एक संख्या उसमें 275 है और दूसरा संख्या हमसे पूछा है, तो मान लिया हमने कि एक संख्या 275 है और दूसरा क्या है, x है, दूसरा क्या है, x है। और आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बच्चे, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है, 7700 है और HCF कितना है, 11 है। क्या है, 11 है ना, यही है। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है बच्चे, तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्या, हम नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे, 275 यहाँ चला जाएगा। x की वैल्यू निकाल पाएंगे, कितनी आएगी x की वैल्यू, सॉल्व करके बताइए, कर पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, आसान है, इस पे क्लास बहुत आया था, इस पे क्वेश्चन बहुत आए थे हमारे एग्जाम में, तो ये वाला हो जाएगा ना, आसान है ना ये। तो देखिए कुछ इजी भी होंगे, कुछ टफ भी होंगे, हमको दोनों को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस बार टफ वाला पूछ दे, इस बार इजी वाला ना पूछे, तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है हमें ना, एक ही के लिए प्रिपेयर नहीं रह सकते हम लोग। इसको सॉल्व किया तो आपका 308 आ रहा होगा, 308 आ रहा होगा, 308 आ रहा है क्या, सबने सॉल्व किया। देखिए 275 से अगर करेंगे तो 275 दुना क्या होता है बच्चे, ये कटेगा कितनी बार में, इसको काटेगा तो हम ये देखो 275 और 200 6 75 क्या होता है बच्चे, 150 225 नहीं कटेगा, तो 5 से काट देते हैं इसको, इसको 5 से काटिए, अगर नहीं काटने आता है आपको कैसे काटना है, देखिए 5 से काटिए, 5 5 25 और 5 5 25 कट गया, इसको भी 5 से काटिए, 5 1 5 5 3 15 कटेगा ना, 5 1 5 और 5 5 25 5 5 25। अब ये काटना हम नहीं सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या आएगा, 5 1 5 7 हुआ, 2 आया, 2 7 क्या हुआ, 25, 5 5 25 फिर 2 आया, 5 4 20 फिर क्या हुआ, 0 उतर लेंगे, है ना, ये कट गया इतने से। अब हमको पता है सर 11 25 55 से ये पूरा कट जाएगा, फिर अब 5 से काटना है तो काट दो इसको, 5 3 15 और फिर 0 बढ़ाओ, 5 8 40 308 आ जाएगा। अब ये काटना वटना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, अब इतना आसान सा कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, है ना, अभी ये सब चीज़ें तो हम आपके एग्जाम में नहीं ना कर सकते हैं आके, ये आपको खुद से करना होगा, है ना। अब चलो अगला, अब इस पे क्वेश्चन जब भी आएगा हमें क्या रहा होगा, दो संख्याएं दी होंगी तो संख्याओं का गुणनफल दिया होगा, एक संख्या पूछेगा एक संख्या नहीं पूछेगा, एक संख्या दिया होगा एक संख्या नहीं दिया होगा। अब इसी में क्या करता, हमें ये संख्या दे देता दोनों, कहता है दो संख्याएं 275 और 308 उसका HCF 11 दिया है तो LCM पूछ लेता। तो क्या करते हम, अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, इसी क्वेश्चन में क्या कर दे, इसी क्वेश्चन में दे दे कि दो संख्याएं आपके पास हैं, दो संख्याएं 275 और 308 दिया हुआ है, ठीक है, और HCF आपको 11 दे दे और आपसे क्या पूछ दे, LCM पूछ दे। अब घुमा के यही सब करना है उसको क्वेश्चन में। अब आप बताइए कि 11 अब हमको निकालना है, तो हमको पता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लिख देंगे 275 इंटू 308 इक्वल टू 11। अब इसको मान लेंगे x, इसको x मान लेंगे तो हमारा LCM भी निकल जाएगा, तो इन्हीं को घुमा फिरा के इधर उधर करेगा क्वेश्चन में, है ना, है ना बच्चे। चलिए अब चलते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, एक नया टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे लिए काफी अच्छा रहने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो संख्याओं का योग 48 है, ऐसा हमने LCM में क्वेश्चन किया था एक, याद होगा अगर आपको रेशियो वाला, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए। तो बच्चे कह रहा है कि दो संख्याओं का जो LCM का योग है, दो संख्याओं का LCM का योग 48 है और संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, तो संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि हमारे पास दो संख्याओं का योग, LCM of two number is 48. LCM of two number is 48. दो संख्याओं का LCM, LCM of दो संख्याओं का LCM दो संख्याओं का क्या है 48 है, क्या है 48 है, तो संख्याएं अगर 2:3 के अनुपात में है तो संख्या क्या होगा। तो बच्चे हमको पता है दो संख्याओं का LCM अगर क्या दिया हुआ है, LCM 48 दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 48 और संख्याएं दिया हुआ है, संख्याएं क्या दिया हुआ है, संख्याएं आपको दिया हुआ है, नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं 2:3 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। तो बच्चे हमें ये पता है कि संख्या तो हमें दिया नहीं है, LCM HCF में से केवल LCM दिया है, तो हमें अभी तक सर ने बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, लेकिन यहाँ पे तो दोनों संख्या को दिया ही नहीं है, केवल LCM को दिया है, तब कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से देखिए क्या करना होता है, ये 2:3 के रेशियो में दिया हुआ है ना, 2:3 के रेशियो में, तो हम क्या काम करेंगे, इस संख्या को मानेंगे कि 2:3 क्या है, 2x और 3x,
पहली संख्या हमारी क्या है 2x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 3x। हम रेशियो को x के फॉर्म में लिख सकते हैं, सबको बताया था हमने कि इसको पहली को 2x मान सकते हैं, दूसरी को 3x। अब बच्चे 2x और 3x का एलसीएम जो है, इसका एलसीएम जो है आपको दिया हुआ है कितना 48। तो बच्चे हमको पता है कि 2x 3x का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो नॉर्मल बेस से अगर 2x और 3x का एलसीएम आप निकालने जाएंगे बच्चे, तो आपको पता है सर हम निकाल लेंगे इसका। x कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा। अब 2 से काटा, 2 एक कम 2, 3 बचा, 3 एक कम कट जाएगा, तो ये क्या होगा 2 तिहाई 6 हो गया, तो 6x की वैल्यू, इसकी एलसीएम क्या आ गई 6x आ गई। और हमको पता है सर इसी 6x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, इसी 6x एलसीएम की ही वैल्यू क्या दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे क्या, 48/6 निकाल लेंगे क्या, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 8 आ गई तो आपको पता है कि x की वैल्यू 8 आ गई तो हमने दोनों संख्या क्या माना था, दोनों संख्या हमने क्या माना था, एक माना था 2x और एक माना था 3x। तो हमने रखा 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 2×8 और 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3×8, 16 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या का सम क्या होगा, तो 16 और 24 का सम क्या होगा बच्चे, 16 और 24 को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या देंगे ये दोनों 40 ही देंगे ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 40 होगा ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस क्या करना था रेशियो को एक्स के फॉर्म में मानना था, बस रेशियो को एक्स के फॉर्म में मानना था, ठीक है बच्चे। ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको ब्लॉक कर दीजिए, इसको ब्लॉक कर दीजिए, सबको आने दीजिए, सब आते हैं। अब कहानी है, एक कहावत है ना, जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपका नाम भी होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको बदनाम भी करेंगे, तो दोनों को आपको ले कर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके सब नाम वाले ही होंगे, कुछ बदनाम भी करेंगे, तो करने दीजिए जिनको जो करना है, आप अपने क्लास पे ध्यान रखिए, है ना। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए फिर से एक बार देखिए क्या दिया था, एलसीएम दिया था दो संख्या को 48। हमें एलसीएम तो दिया है सर, दोनों संख्याओं को अगर दे देता वो तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा देता कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएम। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याओं का रेशियो दिया है तो और आसान है सर, हम रेशियो को क्या मान लेंगे 2x और 3x, दो संख्याएं मान लेंगे, दो संख्याएं हमने मान लिया 2x 3x। अब पता है हमको 2x और 3x का एलसीएम दिया हुआ है जब 48, तो इन दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आएगा 6x आएगा, और 6x की वैल्यू क्या है 48 दिया हुआ है हमें पता है गुरुजी, तो 6x की वैल्यू से हम x की वैल्यू निकाल के 8 निकाल लेंगे, फिर वहां से दोनों संख्या निकाल के हमने जोड़ दिया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, एक बार ध्यान से अगर जिसको नहीं समझ में आएगा देख लेगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, आप इसका आंसर खुद से बताएंगे, इसका आंसर आप खुद से बताएंगे। यहाँ पे एचसीएम दिया हुआ है, दोनों संख्याओं को क्या मानिएगा x मान के करिएगा, x के फॉर्म में एचसीएम से निकाल लीजिएगा x की वैल्यू, और फिर जब दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी दोनों संख्याओं का एलसीएम हम नहीं निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे, बड़े आराम से निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगला हमारे पास रह गया है अब कौन सा बच्चे, अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है, और आज उसको हमें कंप्लीट ही कराना है, तो ध्यान से देखिएगा आप हम लोग क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है बच्चे, अब हमसे क्वेश्चन में अगर पूछे, देखिए अगर मैं कहूँ अभी तक मैंने एलसीएम पढ़ लिया, एचसीएम पढ़ लिया, जितने टाइप्स थे सारे हमने कवर कर दिए, अब हमारे पास एक चीज़ रह गया है कि एलसीएम और एचसीएम फ्रैक्शन का जब निकालना हो तब कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एक यह टाइप रह गया है ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का रह गया है ना, तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस का अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं बच्चे, इसको मैं एक बार आज बताता हूँ, ठीक है फटाफट ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए जब फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो हम ये ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन क्या होता है a अपॉन b हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है, सबको पता है। तो अगर a अपॉन b हमारा फ्रैक्शन होता है मतलब ये न्यूमरेटर है, ये क्या है डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये क्या है हर है, ये अंश है और ये क्या है हमारा हर है, बताया हमने कई बार क्लास में आपको। तो बच्चे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का अगर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस का अगर निकालना है फ्रैक्शंस का तो बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, भिन्न का लसा अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या निकालना है जो निकालना है
जिसको निकालना है, जिसके बारे में पता करना है हमें, वो हमेशा कहाँ रहेगा, उसको हम टॉप पे रखेंगे, हमेशा प्रायोरिटी उसी की रहेगी हमेशा। तो बच्चे जब एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा तो फ्रैक्शन में दो चीज़ होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, है ना, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। मतलब अगर एलसीएम निकालना था बच्चे, हमें एलसीएम निकालना था तो हमने अंश का एलसीएम निकाल दिया, हमने बोला जो निकालना है उसको ऊपर रखिए, उसको कहाँ रखिए, ऊपर रखिए, और जो नहीं निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, तो उसको डिनोमिनेटर में या हर के साथ रखिए, रखिए। तो जब आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, 3, 4, 5 कुछ भी दिया हो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर वाले का एलसीएम ले लीजिए और डिनोमिनेटर वाले का एचसीएफ ले लीजिए। सेम यही अगर एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तब क्या करेंगे सर, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तब क्या करेंगे, भिन्न का मशक अगर निकालना है तब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, भिन्न का मश अगर निकालना है आपको तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का, अब हमें क्या है निकालना, क्या है एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर कौन रहेगा, जिसको निकालना है प्रायोरिटी तो हम उसी को देंगे, तो एचसीएफ हमेशा कहाँ रहेगा, टॉप पे रहेगा, ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर ऑफ एचसीएफ या अंश का एचसीएफ, ठीक है। और नीचे अब क्या है, डिनोमिनेटर में क्या निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो फॉर्मूला याद रहेगा आपको, अब फॉर्मूला याद रहेगा कि अगर एलसीएम निकालना है तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, एचसीएफ निकालना है तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, ये कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए मैं आपके लिए होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 5/4, 7/8 और 3/6, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालना है। दूसरा क्वेश्चन लिखेगा, 3:2/4, 5:7/3, ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा, 6:2/3, ठीक है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो बच्चे एलसीएम निकालते टाइम न्यूमरेटर का एलसीएम, क्वेश्चन नंबर 3 ये है और क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपके होमवर्क का, ठीक है। तो चलिएगा करके इसको बताइएगा आप, ठीक है, करके इन क्वेश्चन को आप बताइएगा, और फिर मिलेंगे अब हम लोग कल। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, चलिए बाय।